Hello students, we are doing processing of fiber to wood. In that we have done shearing, scoring, sorting and dyeing steps, and next step is combing. It is known as carding. Combing means comb karna. Comb karne se kya hota hai, hair jo hai wo straight ho jate hai, seedhe ho jate hai. To yahan par bhi combing ka meaning wahi hai. जो बुल के हेयर हमने वॉश किए थे अभी तक हमने उन्हें कहीं भी सीधा नहीं किया है, तो बुल के हेयर जो है वो इस तरह से रहते हैं रोज। तो अब हम क्या करेंगे, कार्डिंग की प्रोसेस में उसे हम या तो मैनुअली हैंड से कर देते हैं, उसमें ब्रश लेंगे, आयरन का ब्रश जैसे होता है, या तो हम उसे रोलर्स में से पास करते हैं। मशीन होती है ऐसे, रोलर्स होते हैं सिलिंड्रिकल, इनके बीच में से हम बुल को डालते हैं, ये रोलर्स घूमते हैं और उसमें क्या होगा, ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसमें स्ट्रेटनिंग ऑफ फाइबर्स की जाती है, स्ट्रेट कर दिया, उनको कॉम कर दिया, और कॉम करने के बाद जब ये इसमें इस तरीके से पास होते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स सारे हेयर्स जो है वो ऐसे इकट्ठे सेट हो जाएंगे, ऐसा शीट जैसा बन जाता है। फिर इन शीट्स की हम रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्लीवर कहते हैं। इसे ध्यान रखना, ये सिल्वर नहीं है, स्लीवर है, तो इसे स्लीवर बन जाएंगे। और यही स्लीवर जो है फिर बाद में हम इनका यूज जो है वो यार्न यानी कि धागा बनाने के लिए करते हैं। तो ये हमारा कॉमन स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग। स्पिनिंग मीन्स स्पिन करना, स्पिन करना मीन्स उसको बुनना। तो जो हमने यहाँ पे स्लीवर लिए थे, अब हम उन स्लीवर को ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे और उससे बन जाएगा यार्न। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास स्लीवर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनकी ट्विस्टिंग करेंगे, एक साइड से पकड़ के लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे और दूसरी साइड से राइट साइड पे, और इस तरह से ये ऐसे ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये यार्न बन जाएगा, धागा बन जाएगा, जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। हम चाहें तो इनको अगेन, ये हमारे पास एक यार्न बन गया, हम इसको फोल्ड करके फिर इसकी ट्विस्टिंग करके, इसको इस तरह से ट्विस्टिंग करके इसकी स्ट्रेंथ और थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। आप कभी भी देखना, जैसे वूल का फाइबर देख लेना, धागा देख लेना आप, या फिर आप घर में जो सिलाई करने वाली मशीन के लिए हम धागा यूज करते हैं उसको देख लेना, अगर आप उसको पकड़ के उल्टी डायरेक्शन में टर्न करते हो दोनों साइड से, तो उसमें क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद वो इस तरह से सीधे सीधे हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, स्टीवर होते हैं, जिनको टर्न करके हम यार्न बनाते हैं। अब ये यार्न जो है ये टू टाइप के फाइबर बनाएगा, एक तो लॉन्ग फाइबर जो कि लंबे लंबे बालों के होंगे, और कुछ जो इसमें ज्वाइन नहीं होंगे वो शॉर्ट फाइबर बनाएंगे। लॉन्ग फाइबर्स को हम नीटिंग के लिए यूज करते हैं, नीटिंग के लिए हम नीटिंग नीडल्स का यूज करते हैं। इस तरीके से ये नीडल्स होती है, स्वेटर बुनी जाती है इससे, तो स्वेटर बनाने के लिए हम इन लॉन्ग फाइबर्स का यूज करेंगे। और जो शॉर्ट फाइबर रह जाएंगे जिनके लिए नीटिंग इजी नहीं है, उनमें हम वीविंग की प्रोसेस करते हैं। वीविंग की प्रोसेस है उसको मशीन के थ्रू वीव करना, आपस में जोड़ना। तो इसमें लूम्स का भी यूज किया जाता है, लूम्स हैंड लूम्स भी होते हैं और मशीन के थ्रू भी इसको किया जाता है। अगर आप गए हैं टूर पे, प्रतापगढ़ गए हैं या फिर कहीं और जगह गए हैं जहाँ पर की ट्रेडिशनल कल्चर बताया जाता है, तो वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि इस तरह से ये लकड़ी के ऊपर जो है ये धागे को यहाँ पे सेट किया जाता है, नीचे भी धागे को सेट किया जाता है, और इसको खींच कर फिर इस तरह से ये आपस में जुड़ते जाते हैं और एक चादर सी या कपड़ा सा बन जाता है। तो ये लूम्स होते हैं, ये हैंडलूम्स जिनको हाथ से करेंगे और मशीन से करेंगे तो वो मशीन वाले लूम्स होते हैं। ऐसा करने से हम बनाते हैं कारपेट बनाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, तो ये हम इससे बना सकते हैं। मशीन के थ्रू कर रहे हैं तो हम इसे वुलन क्लोथ्स भी बना सकते हैं। आजकल आप देखते हैं कि स्वेटर है बिल्कुल पतली शर्ट जैसी आती है, या फिर लेडीज सूट होते हैं, या फिर उनके शॉल्स या स्टॉल्स होते हैं, तो ये सारे क्लोथ्स जो है ये मशीन के थ्रू बनाए जाते हैं, तो उसमें हम ये शॉर्ट फाइबर्स का यूज करते हैं। तो ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमने वूल शीप के हेयर निकाले, जिसे हम फ्लीस कहते हैं, वहाँ से निकालने तक यहाँ प्रॉपरली उस फाइबर का हमने यूज कर
लिया स्वेटर या क्लोथ बनाने में। तो ये हमारे प्रोसेसिंग ऑफ वूल कंप्लीट हो गया 6 स्टेप में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वूल। अब हम कैसे हेयर को लेंगे, कैसे फाइबर्स को लेंगे, इसके बेसिस के ऊपर 2 टाइप के सिस्टम है। फर्स्ट वन इज वुलन सिस्टम। वुलन सिस्टम में हम लॉन्ग और शॉर्ट किसी भी लेंथ के फाइबर जो है उनको मिक्स लेते हैं और उनको फिर वुलन यान में स्पिनिंग कर देते हैं, उसको बुन देते हैं जिससे कि वुलन यान बन जाएगा और फिर इसका यूज हम करते हैं स्वेटर्स एक्सेट्रा बनाने के लिए। दूसरा है वॉस्टेज सिस्टम। इसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट हेयर को लेंगे लेकिन उन्हें हम सेपरेट कर देंगे। वुलन में हमने मिक्स किया था लेकिन इसमें हम उसको सेपरेट कर देंगे और उसमें से जो लॉन्ग फाइबर्स होंगे उनसे हम धागा बनाते जाएंगे, वुलन का धागा बनाते जाएंगे, लंबे लंबे धागे बनाते जाएंगे और उनसे बहुत पक्के धागे भी बनते हैं जिसका यूज़ जो है वो जैसे ब्लैंकेट या रजाई इन चीज़ों को जोड़ने के लिए, बुनने के लिए भी किया जाता है। तो वैसे यार्न बनाए जाते हैं जिसको रील के ऊपर रोल किया जाता है और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उनको अगेन मशीन में डाल के अलग से यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ वूल हो गया। नाउ द लास्ट टॉपिक इन वूल टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। ऑक्यूपेशनल बना है ऑक्यूपेशन वर्ड से, इट मीन्स हमारा व्यवसाय कारोबार जो भी हम काम करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा ऑक्यूपेशन टीचिंग हो गया, ऐसे ही किसी का टीचिंग जो है वो एग्रीकल्चर करना होता है जो फार्मर्स होते हैं, या तो कोई आर्मी में होता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है। तो ये सभी के अलग अलग ऑक्यूपेशन हैं। हज़ार होता है नुकसान, यानी कि हम जो काम करते हैं वो काम करते हुए हमें अगर कोई नुकसान हो जाए, हार्म हो जाए, तो वो जाना जाएगा ऑक्यूपेशनल हज़ार। जैसे आपने देखा होगा कि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो डे एंड उनको काफ़ी टाइम फैक्ट्री के अंदर ही रहना पड़ता है, तो उनको बाहर की हवा, बाहर की धूप जो है वो कम मिलता है। तो उस वजह से उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है, उनकी बोन्स जो है वो वीक हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स से रिलेटेड काम होता है, तो वो केमिकल्स के वेपन उनकी बॉडी के अंदर जाते रहते हैं तो उन्हें रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, टीवी कैंसर, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अलग अलग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अलग अलग चीज़ हो सकती है। तो अगर किसी की सिटिंग जॉब है तो सिटिंग जॉब में भी उसको बैकबोन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बैठे रहेगा, टर्न रहेगा। और अगर किसी की स्टैंडिंग जॉब है जिसमें उसको मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े रहना है, तो उसमें भी उसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि उसकी बॉडी की बेंडिंग मूवमेंट कम हो जाती है और कई बार जो है उसके जो बोन्स जो है स्पेशल पार्ट्स की वो ग्रो एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड जो है वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम वूल के बारे में कर रहे हैं तो हम वूल इंडस्ट्री की ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड करेंगे। वूल इंडस्ट्री की जो ऑक्यूपेशन हैज़ार्ड है देखो, अब इसमें क्या हुआ, जिस पर्सन ने शेयरिंग का काम किया, शेयरिंग करते हुए वो वूल के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, एनिमल के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो अगर उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट्स हैं जो कि उसकी स्किन को हार्म कर रहे हैं, वो उस पर्सन की बॉडी को भी हार्म कर सकते हैं। तो ये शेयरिंग करने वाले को भी हो सकता है। उसके बाद जब वो वूल निकल कर आ गई, उसको वॉश कर दिया, नो प्रॉब्लम, उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, उसको सॉर्टिंग करते हैं, छांटना है उसको, हम हैंड से टच करके देखेंगे फाइबर कैसा है, तो वो वूल डायरेक्टली हमारे स्किन के कॉन्टेक्ट में आ रही है। तो ऐसे टाइप में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने उसको बैक्टीरियम लिखा है, बैक्टीरियम इज सिंगुलर एंड बैक्टीरिया इज प्लूरल फॉर्म। तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया जो होता है इसकी वजह से डिजीज हो जाती है। ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया उस टाइम पे काम करते हुए हमारे स्किन के किसी भी पार्ट से बॉडी के अंदर चला जाएगा, हमें फिर ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस करेगा, इसकी वजह से हमें ईचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है, हमें लाल से कलर के दाग से धब्बे से पड़ जाएंगे उसकी वजह से, और फाइनली ये बैक्टीरिया जो है वो स्किन से एंटर करके हमारी ब्लड तक पहुंच जाता है, और अगर फिर ये एक बार ब्लड में पहुंच गया तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाके उसको ये डैमेज कर सकता है। तो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से जो डिजीज़ होती है
वो ब्लड डिजीज है, फेटल मीन्स बहुत ही हानिकारक ब्लड डिजीज है, और इसे नाम दिया गया है एंथ्रेक्स और सॉटर्स डिजीज। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से होती है तो एंथ्रेक्स डिजीज, और सॉर्टिंग करने वाले पर्सन को होती है तो इसलिए इसको कहते हैं सॉटर्स डिजीज। ये दोनों नाम से ही जानी जाती है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए शोर की वजह से, क्योंकि मशीनरी चलती रहती है कार्डिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, तो नॉइस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। लाइटिंग, यहाँ पे लाइटिंग है, लाइटनिंग नहीं है, लाइटिंग। लाइटिंग मीन्स जैसे लाइट होती है फैक्ट्री के अंदर, लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है बाहर के सनलाइट के जैसे, तो उस लाइट की वजह से आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आईज की मसल्स जो है वो वीक हो सकती है, आई साइट वीक हो सकती है। नेक्स्ट इज हाई टेम्परेचर। जब हम वूल्स के साथ रहते हैं तो वूल ऑलरेडी क्या करती है, टेम्परेचर को हाई करती है, क्योंकि ये इंसुलेटेड है, ये एयर ट्रैप करके टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो ये टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से भी वहाँ पे डिजीज हो सकती है हमें, और ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि फैक्ट्री अंदर से बंद होगी, तो उस वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करके हमें भी डिजीज कर देंगे। तो ये सारा हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे सिर्फ वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।